हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जया। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जया। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, वो है कैप्सिकम फ्राई, जो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत कम समय में हम इसे बना सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। चलो बनाते हैं। कैप्सिकम फ्राई बनाने के लिए मैंने एक पाव शिमला मिर्च लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से धोकर इसे एकदम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और इसके बीजे पूरे निकाल कर साइड में रख लेंगे। देखिए, अब हमें चाहिए बेसन। मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने टेबलस्पून का इस्तेमाल किया है। इससे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। अब हम ये बेसन को रोस्ट कर लेंगे। अब हम एक छोटा पैन लेंगे, जब वो हल्का गर्म हो जाए उसमें बेसन डाल दीजिए और इसे एकदम धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे। हल्का सुनहरे कलर आए तक हम इसे फ्राई करना है। देखिए, सुनहरा कलर आ गया है और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसका मतलब हमारा बेसन भुनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक नया पैन ले लेंगे। अब हम एक फ्रेश पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और जब वो हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें तड़का डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने छोटे स्पून से राई डाला है और जब वो चटकने लग जाए एक छोटे स्पून से जीरा डाल दीजिए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 3 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। अब हम इसमें प्याज डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यह फ्राई बनाने के लिए हमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लगेगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसीलिए थोड़ा प्याज ज़्यादा डालकर फ्राई कर लीजिए। प्याज जल्दी फ्राई करने के लिए हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखिए नमक एकदम ज़्यादा न डालें, क्योंकि हम इसमें न टमाटर डाल रहे हैं और न पानी। देखिए, प्याज हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डाल देंगे। मैंने 1 छोटे चम्मच से हल्दी डाला है और 1 छोटे चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसका कच्चापन गए तक एकदम मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई कर लीजिए। उसके साथ हमारे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए, अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को एकदम धीमी पर रख देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 स्पून जीरा पाउडर डालकर हम इसे 1 आधे मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये सब आप एकदम धीमी आंच पर ही करिए, आंच बिल्कुल ज़्यादा ना रखें। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, मतलब शिमला मिर्च डाल देंगे, जो हमने इस तरह से एकदम बारीक काट कर ले लिया है और इसके बीजे हम निकाल कर रख दिया है। बीजे हमें बिल्कुल नहीं डालना है। बिना बीजों के अगर आप इसे बनाओगे तो ये हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस तरह से हम बीजे निकाल कर कैप्सिकम को डाल देंगे। शिमला मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आप बनाइए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक सिम पर पकने देंगे। अब हम इसे एक बार खोलकर देख लेते हैं। देखिए, तेल पूरी तरह से ऊपर आ गया है और हमारा शिमला मिर्च भी आधा पककर तैयार है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, उसी पानी से ये पक जाता है। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डाल देंगे और मैंने इस तरह से 1 छोटे चम्मच से आमचूर पाउडर डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसे ज़रूर डालिए, स्किप बिल्कुल ना करें। और 1/4 स्पून गरम मसाला डाल दीजिए। आपके घर में जो भी उपलब्ध है वो आप डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से इवनली मिला लीजिए। ध्यान रखिए, ये सब हमें एकदम सिंपल ही करना है, फ्लेम बिल्कुल ज़्यादा ना रखना है, नहीं तो कैप्सिकम जल जाएगा और पकेगा नहीं। इस तरह से आप बेसन और आमचूर पाउडर डालकर बनाइए, बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार होगा। अब हम इसे 5-6 मिनट तक सिम पर पकने देंगे। अब हम इसे एक बार खोलकर देख लेते हैं। देखिए, शिमला मिर्च अच्छी तरह से पक गया है और जो हमने बेसन डाला है वो भी अच्छी तरह से भून गया है और एक बहुत बढ़िया कलर उसमें आ गया है। अब हम लास्ट में डाल देंगे इसमें हरा धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए, इस तरह से हरा धनिया डाल दीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी हमारा शिमला मिर्च सब्जी बनकर तैयार है। मैं आपको सर्विंग बाउल में सर्व कर बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी हमारा शिमला मिर्च सब्जी बनकर तैयार है, मतलब हमारा कैप्सिकम फ्राई बनकर तैयार है। यह बनाने में बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बेसन और आमचूर पाउडर डालकर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, मैं आपको रोटी के साथ सर्व कर बताऊंगी। इस तरह से आप बनाइए और मुझे बताइए। ये लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर ये सब्जी पूरी तरह से ठंडा हो गया तो भी बहुत ही टेस्टी रहेगा। इस तरह से आप बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर
शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, आपको सब नोटिफिकेशंस अपडेट्स होते रहेंगे। धन्यवाद।